लच गई। क्या हुआ देवर जी? कुछ नहीं भाभी, लक्ष्मी ठीक है कि नहीं ये पूछने के लिए फोन किया था। भाभी कुछ गड़बड़ लग रही है, लक्ष्मी ठीक तरह से बात ही नहीं कर रही। भाभी जब आप घर फोन करेगी ना, जरा पूछ लेना कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। ठीक है। अब आपको क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, नाश्ता करना फिर जाइएगा, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, मुझे जरा जल्दी है और वैसे भी कल का खाना अभी तक पेट में घूम रहा है। प्रसाद तो खाकर जाइए। अच्छा ठीक है। चलो भाभी, भैया की शादी से एक तो फायदा हो गया, अब रोज सुबह मुझे प्रसाद मिलेगा, इसलिए दिन भी अच्छा गुजरेगा। चलिए भाभी मैं निकलता हूँ। मम्मी जी, ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे इस प्रसाद से मेरा दिन शुभ नहीं हो जाएगा। अगर तुम्हें इस परिवार की इतनी ही चिंता है तो इस परिवार की जरूरत है पैसा। हमें सिर्फ पैसा चाहिए, समझी? नहीं समझी? अपने बापूजी को फोन लगाओ और पैसे मांगो, कहो पैसे चाहिए। लगाओ फोन। ओ, शायद नंबर याद नहीं। हाँ कोई बात नहीं, इसके लिए मैं हेल्प कर देती हूँ। चलो बात करो। हेलो, हेलो सरस्वती, कौन छे? तुम ऐसे नहीं समझोगे। हम भविष्य, 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 क्या हुआ माँ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तुम्हारी बीवी, ना तो कोई बात समझती है और ना ही कुछ बोलती है, और अपने घर से पैसे भी नहीं मांग रही।
क्या? सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, गौरी आ जाओ। माँ, सरस्वती दीदी तो भूल ही गई मैं। सरस्वती की ना होने की आदत नहीं पड़ी अभी तक। हाँ माँ, अभी थोड़े ही दिन हुए हैं ना दीदी को गए हुए। ऐसा लगता है अभी आएगी और कहेगी, माँ तुमने मेरा पसंदीदा नाश्ता बनाया है। माँ, सरस्वती दीदी की बहुत याद आती है ना। हमें भी, पर मुझे पूरा यकीन है सरस्वती दीदी को भी हमारी इतनी ही याद आती होगी। अरे वाह, उन्हें हमारी याद क्यों आएंगी? उन्हें तो एक नया परिवार मिला है, जहाँ जहाँ क्यूट सा देवर मिला है, प्यारी सी ननन, माँ जैसी सास, बापूजी जैसे ससुर और भविष्य जीजू जैसे परफेक्ट हस्बैंड। तो वह हमें क्यों याद करेंगी? हाँ, तुम अभी और इसी वक्त पैसे लाने घर जा रही हो, समझ गई तुम? और अगर तुम पैसे नहीं लेकर आए तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा सामान भी चला आएगा। इस घर में वापस आने की कोई जरूरत नहीं। मुझे प्लीज। तुम्हारा चेहरा तब अच्छा लगेगा जब तुम्हारे हाथ में पैसे होंगे, समझे? आज फिर से पोहा। मानना पड़ेगा सावित्री भाभी, सरस्वती भले ही विदा हो गई हो पर उसकी पसंद वही की वही है। हमारी पसंद तो कोई पूछता भी नहीं। अच्छा, तुम्हारी कोई पसंद है क्या? मैंने कुछ बोला? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो औरत अपनी पूरी जिंदगी में कभी किचन में दाखिल हुई हो उसे ही अपनी पसंद का खाना मिलता है। हाँ? मैं देखती हूँ। जय श्री कृष्ण।
सरस्वती, अभी हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। अचानक कैसे आना हुआ? क्यों? अगर आप लोगों को मेरी याद आ सकती है तो क्या मुझे आप लोगों की याद नहीं आ सकती? आप लोगों की याद आई, भविष्य से कहा तो वो यहाँ छोड़ गए। माँ, बापू जी नहीं है। देखा माँ, दीदी ससुराल जाके सब कुछ भूल गई। बाबूजी इस वक्त ऑफिस में गए हैं। चल हम लोग नाश्ता ही कर रहे थे, बैठ नाश्ता कर। तुम्हारे पसंद का। प्रभु, ये फिर आटपकी, हर दूसरे तीसरे दिन आटपकती। आएगी ना, सब तुम्हारा कसूर है, सारी गलती तुम्हारी है। क्या जरूरत थी तुम्हें सरस्वती का ससुराल राजपीपला में ढूंढने की? तू बोला थी? अरे चाकू की नोक पे अगर रिश्ता ढूंढने की बात हो तो आदमी राजपीपला के बाहर जाए कैसे? तुम्हें ही जल्दी थी ना, सरस्वती का रिश्ता करा दो, रिश्ता करा दो, बला टले लो, टल गई बला। जो भी हो, पर जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। वक फेरे की रस्म खत्म नहीं हुई, इसके पैर वापस यहाँ? अरे ना, कोई गड़बड़ नहीं है। तुम्हें तो 2400 घंटे किसी न किसी चीज में गड़बड़ नजर ही आती है। रसिक भाई, आज तक तुम्हारी बहन का अंदाजा कभी गलत रहा है? तो फिर आज कैसे हो सकता है? देखो देखो उसे ध्यान से। अरे सरस्वती, ये क्या कर रही है? ये सब हम कर लेंगे, अब तू इस घर की मेहमान है, ये सब काम तेरी हाथों में शोभा नहीं देता। माँ, क्या शादी के साथ फेरे बेटी को उसी घर में पराया कर देते हैं जिस घर में उसने जन्म लिया? वो पली बड़ी, क्या पिया की मेहंदी इतनी रंग लाती है कि बाबुल के घर का काम करना बेटी के हाथों को शोभा नहीं देता? प्यारी बेटी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो इसलिए कहा कि अब थोड़े वक्त के लिए तू यहाँ आई है, वह ससुराल जाकर काम ही तो करना है, इसीलिए अब अपनी बहनों के साथ बैठ अपने परिवार की बातें कर। सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बस इस घर की बहुत याद आती है। इस घर की याद आती है? नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बापू जी बिल्कुल गुस्से में नहीं थे, वो तो बस इतना कह रहे थे कि आइंदा से ध्यान रखना ऐसा कुछ भी ना हो, है ना? पक्का बापूजी ने और कुछ नहीं कहा? अब कहा ना कि लक्ष्मी आपके घर कब? कौरी दीदी, मेरे घर क्या? दीदी चाय। लक्ष्मी मेरे घर क्या? यही कि लक्ष्मी जब भी आपके घर जाए किसी को बता कर जाए। वो सब छोड़िए ना दीदी, अभी भविष्य जीजा जी आएंगे और दीदी को ले जाएंगे, उससे पहले हम दीदी से वो बातें तो पूछते जो हमें पूछनी थी। क्यों दीदी? अरे सरस्वती बेटा। जी माधव काका। तुम्हारे ससुराल से फोन आया बेटे।
जी। मैं बात करके आती हूँ, फिर पूछना। हाँ जी, जल्दी आना। हेलो, वहाँ क्या छुट्टी मना रही हो? देखो सरस्वती, अगर तुम चाहती हो कि शाम को तुम्हें कोई घर वापस लेने आए, तो पैसा तैयार रखना, समझी? मम्मी जी, पर परवर कुछ नहीं, पैसा नहीं तो इस घर में एंट्री नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अभी दोबारा कह रही, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारा सामान तुम्हारे माँ बाप के घर पर वापस चला है। जाओ, पैसे अभी मांगो। देखो मेरे ससुराल वाले, याद आ गई तो फोन कर लिया। अब जब मैं वहां होती हूँ तो यहाँ सबको मेरी याद आती है, और यहाँ होती हूँ तो वहां। कितनी खुश नसीब हूं ना मैं माँ। माँ वो क्यों छुपाया मुझसे? अभी तुमने कहा ना कि तुम इस घर में पली बड़ी हो। मैं मां हूं तुम्हारी,
तो फिर ये सब मुझसे क्यों छुपाया? आप माँ हो इसीलिए छुपाया? कैसे बताती माँ जो अरमान लेकर, जो सपने लेकर आपने मुझे विदा किया था, वो सारे सपने टूट चुके, बिखर चुके। जो भविष्य आपने मेरे लिए देखा है वो उसे मैं कैसे टूटने देती माँ? बोलिए माँ। और क्या भविष्य भी? नहीं नहीं माँ, भविष्य तो बहुत अच्छे इंसान है, उन्हें इस मामले में कुछ नहीं पता और ना ही मैं चाहती हूँ कि कुछ पता चले। उन्हें अपने परिवार के बारे में ये सच्चाई जानकर बहुत ठेस पहुंचेगी माँ। तो मैं क्या करूं? इतने पैसे कहां से लाऊंगी माँ? अगली तो फिक्र मत कर, तेरे ससुराल वालों को पैसे ही चाहिए ना, वो उन्हें मिल जाएंगे। मैं हूं ना, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी।